हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, कल आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिजल्ट जो है कल आ जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों के मन में रिजल्ट को लेकर घबराहट है, ठीक है, वो कैंडिडेट यहाँ पर न्यूज़ को देख सकते हैं। पूरी न्यूज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को बता, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो कल 4 मार्च को घोषित कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट जो हैं, करोड़ों अभ्यर्थी जो है इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक घोषित कर दिया जाएगा। करोड़ों की संख्या में रिजल्ट के जो उम्मीदवार हैं उनका फाइनली यहाँ पर जो है समय और टाइम जो है उनका ख़त्म होने वाला है रिजल्ट को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। वो बेसब्री से इंतजार था उम्मीदवारों को कि उनका रिजल्ट जो है कब तक घोषित हो जाएगा। उनका अब जो है टाइम ख़त्म होने वाला है रिजल्ट को लेकर। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा, जो कैंडिडेटों के मन में घबराहट है और जो डर है कैंडिडेटों के मन में रिजल्ट को लेकर, वो घबराए नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद जो है रिजल्ट घोषित होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका रिजल्ट के बारे में बात करूँ नॉर्मलाइजेशन के लेकर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में जैसा आप सभी ने एएलपीएन टेक्नीशियन में देखा होगा कि जो आपका रिजल्ट है नॉर्मलाइजेशन में, देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आप स्कोर कार्ड भी देख सकेंगे, ठीक है, स्कोर कार्ड भी आपका वहां पर आएगा। साथ ही यहां पर आएगा कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, यस और नो सभी वहां पर लिख कर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो आपने एएलपीएन टेक्नीशियन में देखा होगा कि देखिए, किसी के 20 बड़े, किसी के 15 नंबर बड़े नॉर्मलाइजेशन में, किसी के 25 नंबर बड़े, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी नंबर नॉर्मलाइजेशन में बड़े थे एएलपी टेक्नीशियन में। यही नहीं, यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी, 3 नंबर भी लोगों के जो है एएलपी टेक्नीशियन में बड़े थे। मैं यही नहीं कह रहा कि यहाँ पर 20-25 ही नंबर बड़े, 2, 4, 5, 3 नंबर भी एएलपी टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन में बड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट होगा वो पूरा नॉर्मलाइज बेस है, और जो आपका लास्ट स्टेज और चांस रहता है आपको, वो नॉर्मलाइजर रहता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट जो, देखिए, अगर सपोज डेट अगर मेरिट जितनी भी जाती है, हम जो कहते हैं कितनी भी जाए, तो मेरिट में अगर आपके 20 नंबर बढ़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके 45 नंबर हैं, अगर आपके 20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 65 नंबर है और आपका शॉर्टलिस्टेड होने का पूरा चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और रेलवे ग्रुप डी अभी तक जो रिजल्ट जो है तैयार कर रहा था, देखिए नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए रिजल्ट जो है काफ़ी लेट हो चुका था इसलिए। और नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा भी है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो बहुत कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बहुत बड़ा बेनिफिट है फिजिकल टेस्ट के लिए, क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये हो गई आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात। यहाँ पर हम बात करें रेलवे की, जो आपका रिजल्ट है कल, आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है 4 मार्च को। यहाँ पर टाइम यानी 15 बजे यानी कि 3 बजे कल आपका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूँ जो 3 बजे है, देखिए डेट तो मैं नहीं कह रहा कि चेंज होगी नहीं होगी, लेकिन टाइम का मैं जरूर कह सकूंगा कि आपका रिजल्ट जो है वो 3 बजे हो सकता है, 4 बज जाए, हो सकता है 5 बज जाए, हो सकता है 6 भी हो जाए। मैं टाइम का नहीं कह सकता क्योंकि देखिए जो वेबसाइट है वो चेक होती हैं, और रिजल्ट जो है हर, देखिए रेलवे की बहुत सारी जोन की वेबसाइट है, तो सभी जोन की वेबसाइट पर रिजल्ट जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है, सपोर्ट डेट अगर इलाहाबाद का रिजल्ट जोन का आ गया, तो आप ये डरे नहीं कि अभी तक तो गुवाहाटी का नहीं आया, ठीक है, कि चंडीगढ़ का अभी तक नहीं आया, इलाहाबाद का आ गया, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखिए रिजल्ट जिन जोन पर अपलोड करते रहेंगे उन सभी पर जो है रिजल्ट आपका शो होता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं, जैसे ही जिन जिन जोनों पर रिजल्ट जो है पब्लिश होता जाएगा, हम सभी जोनों की वेबसाइट बनाकर आप वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का रिजल्ट शो आ गया आपका इलाहाबाद वेबसाइट पर, तो इलाहाबाद का हम रिजल्ट आपका जो है प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही जैसे ही चंडीगढ़ का रिजल्ट आया, हम चंडीगढ़ की वेबसाइट पर आपको जो है रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सभी वेबसाइट जो वीडियो है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जैसे ही रिजल्ट जो है घोषित होते रहेंगे सभी वेबसाइटों पर, ठीक है। तो जो है रिजल्ट आपका जो है धीरे धीरे करके सभी वेबसाइट पर पब्लिश होता रहेगा। हम ये देखिए 3 बजे हो सकता है आपका रिजल्ट 4 बजे आए, हो सकता है आपका रिजल्ट 5 बजे आए, तो रिजल्ट को लेकर यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नहीं रहे, टाइम भी चेंज हो सकता है रिजल्ट को लेकर, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इतना अपडेट था। और अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और इस फॉर्मेट में जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं नीचे, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, पासवर्ड की जगह अपनी जब डेट ऑफ बर्थ डालें तो वहां पर जो है आप कोई भी स्लैश या कोई भी एरो वेरो नहीं लगाएं, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे ही हर वेबसाइट पर रेलवे की सभी जोनों की वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश होता रहेगा, हम सभी जोनों की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे कि इस जोन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना अपडेट था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की हर अपडेट्स आपको टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल प्रोवाइड कराता रहता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।